नवरात्रों की शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम सबसे पहले बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी, जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा होती है नवरात्रा में। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा घी लेंगे, उसमें ज़ीरा, फिर थोड़ा मिर्च और थोड़ा करी पत्ता। फिर ऐड करते हैं हम 2-3 उबले हुए आलू, जिसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा नमक अपने टेस्ट के अनुसार। उसके बाद इसे फिर थोड़ा फ्राई करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसमें कुछ टमाटर, जिसे हमें थोड़ा भून लेना है। इसमें हमने नमक पहले ही ऐड कर दिया था, तो अब और नमक नहीं ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े भुने हुए मूंगफली, जो है थोड़े से क्रश्ड। फिर है ये हमारी काले मिर्च की पाउडर। उसके बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना, जो है भिगोया हुआ। इसे 3-4 घंटे रखने पे ये अच्छे से सोक्ड हो जाता है, ये बहुत अच्छा फुला फुला हो जाता है। इसे भी हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी हम यहाँ पे इसको कुछ देर के लिए ढक देंगे। हमें इसे 5 से 7 मिनट तक ढके हुए रखना है, फिर हमें चेक करना है। तो अभी हमारे सारे साबूदाने ट्रांसपेरेंट नहीं हुए हैं। ट्रांसपेरेंट होना मतलब ये अच्छे तरीके से कुक हो जाता है, बट अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमें इसे थोड़ी देर और ढक कर के रखना है। अब ये पूरे तरह से बन चुका है। ये देखिए, यहाँ पे सारा साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो चुका है और बहुत ही अच्छा खिला खिला भी लग रहा है देखने में। आप इसे ज़रूर ट्राई करें इस नवरात्रि, ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक होती है। तो चलिए अब हम इसे करते हैं टेस्ट। ये दिखने में जितनी सुंदर लग रही, क्या खाने में भी है? ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें।